So a very simple summary of what I require from life, BA 1 Semester 2. This chapter is in elective English written by J.B.S. Haldane. तो चैप्टर शुरू कैसे होता है, इट्स अ वेरी ब्रीफ समरी. चैप्टर बिगिंस विद आई मस्ट नॉट रिक्वायर द इम्पॉसिबल, कि मुझे इम्पॉसिबल चीजें नहीं चाहिए जिंदगी में. और क्या चाहिए जिंदगी से, क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं राइटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द फोर जनरल नीड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉन्ट्स वर्क एंड अ डिसेंट वेज. सबसे पहले उनको काम चाहिए जिंदगी में, जिंदा रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए, एंड दैट टू विद अ डिसेंट वेज. ये ना हो कि आप काम तो बहुत करो लेकिन आपको आपकी बनती डिसेंट वेज ना मिले. तो ही वॉन्ट्स डिसेंट वेज ऑल्सो. उसका जो आपको सैलरी मिलनी है वो भी बड़ी डिसेंसी हो. सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ हिज इज फ्रीडम. उनको फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, और स्पेसिफिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच, ताकि आप अपने मन की बात आगे रख सको किसी के. थर्ड इज हेल्थ. हेल्थ में वो कहते हैं कि ही डजंट माइंड हैविंग टूथ एक और हेड एक, तो बहुत बड़ी बीमारी ना लगे, अच्छी हेल्थ हो आपके पास प्रॉपर. आप अगर कोई छोटी मोटी बीमारी लगे आप डरो नहीं, आपको सिक्योरिटी हो दैट यू विल बी टेकन केयर ऑफ. देन फोर्थ रिक्वायरमेंट फ्रॉम लाइफ इज फ्रेंडशिप. अच्छे फ्रेंड्स हो, ऑब्वियसली अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, तो अच्छे फ्रेंड्स मिले. ये फोर जनरल नीड्स की बात कर रहे हैं राइटर. दीज फोर आर जनरल नीड्स. एंड इनके अलावा देर इज वन नीड, नेक्स्ट इज एडवेंचर. अब एडवेंचर का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ों पे जाके छलांगे मारनी है, जहां लाइफ में थोड़ी रूटीन से हटके काम है. इफ यू आर फ्री इट मींस यू हैव टाइम टू स्पेयर एंड यू आर वॉचिंग मूवी, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, यू आर हैविंग ट्रैकिंग, गार्डनिंग और हंटिंग तो चलो पॉसिबल नहीं है इन दिनों में. देन ही होप्स फॉर हैप्पीनेस ऑफ अदर्स. तो वो लोगों की खुशी भी चाहते हैं. चैप्टर में ये बात कर रहे हैं दैट इफ पीपल आर नॉट हैप्पी ही विल नॉट बी हैप्पी. तो हमें आसपास के लोग भी उतने ही खुश चाहिए. देन ही वॉन्ट्स टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यहां राइटर हमें बता रहे हैं कि ही डज नॉट वॉन्ट. तो कुछ चीजें हैं, दो चीजें जो वो नहीं चाहते, वो है सबसे पहले क्लास डिस्क्रिमिनेशन, अमीरी गरीबी का जो डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, ही डज नॉट वॉन्ट इट. इंडिया में इसकी एडिशन में हमारे पास कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है, लेकिन क्योंकि फॉरेन राइटर है तो ही इंटरनेशनल राइटर हैं, सो ही इज टॉकिंग ऑफ क्लास डिस्क्रिमिनेशन. देन सेक्स सब्जेक्शन. सेक्स सब्जेक्शन का मतलब बायसनेस, जेंडर के बेसिस पे बायसनेस. व्हेन पीपल आर मेकिंग डिफरेंस बिटवीन, दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग मेल्स एंड फीमेल्स, और वो लेडीज को पूरे हक नहीं देते जो उनको मिलने चाहिए. दैट इज वॉट ही डजंट वॉन्ट. सो ये दो चीजें राइटर नहीं चाह रहे हैं. But he wishes for, क्या चाहते हैं कि क्या दुनिया में हो. He wants spread of education. अगर education का spread हो गया, education is very important, it is a weapon in the hands of the common people. तो अगर educated हैं, वो education है उनके पास, तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. And then he wants application of scientific methods. Science के साथ चलेंगे हम तो बहुत अच्छा होगा. We should not let science master us. हम science के master बनके science को productively use करें, ये वो चाहते हैं. In the end वो कैसे sum up कर रहे हैं chapter? To sum up, he says what he needs. वो बात कर रहे हैं he needs food, warmth. Food भी चाहिए खाने के लिए, warmth के लिए घर भी, सर पे छत भी चाहिए, work हो, liberty हो, health हो, friendship हो, and above all society के लिए he wants socialism for society. ताकि सोसाइटी में लोग दुखी ना हो, सबको उनके बराबरी के हक मिले. सो ही इज इन फेवर ऑफ सोशलिज्म फॉर द सोसाइटी. एंड इन द एंड ही इवन टॉक्स ऑफ डेथ. वो डेथ की भी बात कर रहे हैं कि डेथ कैसी होनी चाहिए. कहते सोक्रेट्स जैसी डेथ होना तो इम्पॉसिबल है. उन्होंने जान दे दी बट वो अपने असूलों पे खड़े रहे. तो अगर मैं कहीं भी उनके आसपास भी पहुंच जाऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी. वो कह रहे हैं कि आई डोंट वॉन्ट कि मेरे लिए मेरे फ्रेंड लिमेंट तो जरूर करें, वो दुखी तो जरूर हों, लेकिन वो मेरे पे तरस ना खाएं. तो बड़ी शानो शौकत वाली मेरी मौत हो, जैसे सोक्रेट्स डाइड एट द एज ऑफ 70 और उन्होंने अपने असूल नहीं छोड़े, उन्होंने जहर का प्याला पी लिया था. तो यहां पे राइटर यही कह रहे हैं कि मुझे भी वैसी ही डिग्निफाइड सी जो है मौत मिले. एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ. यही राइटर
इस चैप्टर में बता रहे हैं जिंदगी से उम्मीद रखे हुए हैं. दिस इज व्हाट ही रिक्वायर्स फ्रॉम लाइफ.